सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल. वी आर बैक एंड इन दिस वीडियो मैंने इसका नाम दिया है रिवीजन वीडियो. डेफिनेटली आई वाज नॉट एबल टू मेक द वीडियोस एंड आई वाज रियली थिंकिंग ऑफ क्विटिंग द यूट्यूब फॉर द टाइम बीइंग, बट मेनी ऑफ यू मैसेज्ड मी एंड आई ऑल्सो फेल्ट हॉरिबल आफ्टर नॉट मेकिंग द वीडियोज, सो आई एम रिज्यूमिंग दैट. ये वीडियो 2 से 9 तक, मतलब जो आपका जिस दिन से एनालिसिस छूटा है उस दिन से आज तक का पूरा कवर करेगा, है ना. हो सकता है थोड़ा बड़ा वीडियो बने, सो प्लीज़ मतलब बेयर विद मी. बट इस वीडियो में जो भी न्यूज़ आइटम्स मैं पढ़ाऊंगा वो हो सकता है आपने कहीं और ना पढ़े हो, ये भी मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि न्यूज़ एनालिसिस मैं देखता हूँ बाकियों के भी, तो दे डोंट कवर मच ऑफ द पार्ट विच इज़ एसेंशियल फॉर यूपीएससी, विच इज़ एसेंशियल फॉर योर आंसर राइटिंग और इंटरव्यू पार्ट फॉर दैट मैटर, ठीक है ना. तो स्टार्ट करेंगे, पहले मैं 9 से स्टार्ट करूंगा, पीछे की ओर चलेंगे, है ना. आप लोग 9 का तो देख लीजिएगा, और अगर आपको रिवाइज करना, आपको लगता है कि कुछ मिसिंग पार्ट हो सकता है, तो आप जरूर वीडियो के साथ बने रहिएगा, ठीक है ना. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 9 का एनालिसिस. 9 के एनालिसिस में पहली जो न्यूज है वो फ्रंट पेज की है. हाउस होल्ड्स डेट सर्ज्ड टू अ न्यू हाई बाय दिसंबर 2023. तो ये जो आपको दिख रहा होगा एक मोतीलाल ओसवाल करके प्राइवेट रिपोर्ट है डेफिनेटली, बट एक डेट की रिपोर्ट आई है, इसमें हाउस होल्ड डेट के बारे में लिखा गया. अब हाउस होल्ड डेट देखो यहाँ पे लिखा गया है. अब आपको देखो ये तो सब ये तो ग्राफ बना हुआ है, ये बड़ा है, ये फिर ये है, फिर थोड़ा घटा था हाउस होल्ड डेट. एक चीज तो पहले हमको ग्राफ से समझनी पड़ेगी. ग्राफ अगर आप देखें तो पहले आपको दिख रहा होगा कि बढ़ा हुआ, फिर बीच में कम, फिर ऊपर, और इस तरीके से, मतलब कुछ इस तरीके से कर्व है कि घटते से बढ़ते, मतलब कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है ना. अगर आप देखें तो कोई फिक्स्ड ऐसा पैटर्न नहीं है कि हाउस होल्ड डेट हम बोल दें कि भाई 21 से 24 तक लगातार बढ़ा है, ऐसा नहीं है. पहले घटा है 23 तक, फिर 23 से बढ़ना शुरू हुआ है, तो अब 24 में बढ़ रहा है. तो 23-24 में ज़रूर अपन बोल सकते हैं, लेकिन 21 से 23-24 नहीं बोल सकते. तो एक तो ये अपने को पता होना चाहिए. दूसरा चीज़, हाउस होल्ड डेट होता क्या है, है ना. बड़ा एक सवाल तो ये होगा कि हाउस होल्ड डेट होता क्या है. तो हाउस होल्ड डेट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ओन्ड बाय ऑल द इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स इन द कंट्री, ठीक है ना. तो जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स हैं कंट्री के, यानी कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल योर हाउस, माय हाउस, एवरी हाउस होल्ड इज अ हाउस होल्ड फॉर द इकॉनमी, है ना. तो जितना डेट हम होल्ड करके रखेंगे, बैंकों से जितना लोन हम लेकर के रखेंगे, वो सारा हाउस होल्ड डेट में आता है. अब अगर आपसे यूपीएससी, देखो यूपीएससी जब आपको क्वेश्चन देगा तो क्या बोल सकता है, यूपीएससी आपको दो तरीके के स्टेटमेंट दे सकता है. पहला दे सकता है कि हाउस होल्ड डेट अगर है तो दैट मींस इकॉनमी इज इन पुअर स्टेट, है ना. सिंपल आपको सीधे सीधे लिख करके दे देगा कि अगर हाउस होल्ड डेट है तो इसका मतलब है कि इकॉनमी पुअर स्टेट में. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. हाउस होल्ड डेट होना जरूरी है. अगर हाउस होल्ड डेट नहीं है इसका मतलब हाउस होल्ड लोन नहीं ले रहे, यानी कि आपका बैंकिंग सिस्टम सही नहीं चल रहा है, यानी कि लोग परचेज नहीं कर रहे हैं, बड़ी चीजें कार गाड़ियां नहीं खरीद रहे, है ना. तो वी हैव टू मेक श्योर दैट ऐसा नहीं कि ऑल टुगेदर गलत है, और ऐसा भी नहीं कि पूरी तरीके से सही है. दोनों ही इसके इंपैक्ट हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि कितना डेट है और उसको रीपेमेंट रेशियो कितना है ना. तो हाउस होल्ड डेट जब निकाला जाता है ना, तो इट इज ये हमेशा जीडीपी के परसेंटेज में, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी निकाला जाता है, ठीक है ना. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. अभी ये कहा जा रहा है कि अभी जो है इस क्वार्टर में ये काफी ज्यादा बढ़ गया था, हाउस होल्ड डेट हैज बीन इन इट्स राइज, ठीक है. तो ये तो मोटी मोटी बात रही यहाँ की. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. तो लेट्स मूव अहेड. आप बिल्कुल मेरे साथ बढ़ सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं अपन देखेंगे एक एक करके, ठीक है ना. यहाँ पे मतलब ऐसी नहीं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो न्यूज़ नहीं है, इसलिए मैं नहीं. हाँ, एक न्यूज़ है, DGTR कॉल्स फॉर लेवी ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी. अब यहाँ पे DGTR क्या होता है, DGTR होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज. तो कोई लिखा हुआ है द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, और यही रिकमेंड करता है कि आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी है कि नहीं लगानी. तो कौन रिकमेंड करता है, तो एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछा जा सकता है. तो ये रिकमेंड करता है DGTR, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज जो है, ये रिकमेंड करता है कि वेदर यू हैव टू use this anti-dumping duty or not. अब देखो ये दो duties जो होती है ना, ये वाली duties मतलब कि जो anti-trade चीज़ों को रोकने के लिए होती है, वो दो तरीके की होती हैं. पहली तो इसमें हो गई anti-dumping duty, है ना, जो आपने यहाँ पे देख लिया anti-dumping, और दूसरा होता है CVD जिसको हम बोलते हैं countervailing duty, ठीक है ना. एक होता है countervailing भी होती है. अब इन दोनों में differentiation एक बार अपन देख लेते हैं कि what is the difference between the two. तो मैंने पूरा notes भी बना के रखा है, वहाँ से आपको बता देता हूँ, टेबल फॉर्म में है प्रॉपर, तो आपको कुछ ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, है ना. तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के नोट्स तो पूरे मैं अपलोड कर दे रहा था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था. तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं, 7 से 9 के आपको नोट्स मिल जाएंगे.
ना बीच के भी हैं, वो शायद मैंने उसमें टैग नहीं डाला है, लेट आई विल पुट द टैग एज वेल, मैं पुट डाल दूंगा ना। तो पहले तो इसी में देखते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी की और एंटी इसकी बात कर रहे हैं ना, तो लेट मी गो टू दैट। तो यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है उसकी बात किया। अब एंटी डंपिंग किस चीज़ पे बात की जा रही है इस आर्टिकल में, तो यह सोडियम साइनाइड के ऊपर है ना। तो सोडियम साइनाइड के इम्पोर्ट के ऊपर DGTR यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ ने कहा है कि भैया आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना शुरू करो, और उन्होंने ये भी कहा कि ये ड्यूटी जो रहेगी 5 साल के लिए रहेगी। अब सोडियम साइनाइड पहले तो हम बात कर लेते हैं कि होता क्या है। तो इट्स अ इंडस्ट्रियल केमिकल विच इज़ यूज इन एप्लीकेशंस लाइक एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ओर्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स, मैन्युफैक्चरिंग इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा, डाइज, पिगमेंट्स, ड्रग्स। तो आप देख सकते हैं सोडियम साइनाइड के यूजेस बहुत सारे हैं। यूजेस में हमने देखा एक तो एक यूज है इसमें एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम द ओर्स, दूसरा इसका यूज है इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड हीट ट्रीटमेंट ऑफ द मेटल्स, तीसरा इसका यूज है मैन्युफैक्चरिंग इंसेक्टिसाइड्स, डाइज, पिगमेंट्स एंड ड्रग्स, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। ये ड्यूटी क्यों लगाई गई है, देखो अब देखो दो तरीके से मैंने आपको बताया, एक है एंटी डंपिंग, एक होता है काउंटर वेलिंग। अब एंटी डंपिंग कब लगती है, पहले कंसेप्ट समझ लो तो आप समझ जाओगे क्यों लगाई जा रही है ना। तो एंटी डंपिंग कब लगाई जाती है, जब अपनी अपने कंट्री को ये लगता है कि सामने वाली कंट्री सस्ते दामों में यानी कि जो उसका फेयर वैल्यू है उससे कम दामों में सेल कर रहा है आपके मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये जैसे फोन है, दिस इज अ फोन, और इस फोन की कीमत इंडियन मार्केट में सपोज करो अभी 60,000 चल रही है, 50-60,000 चल रही है सपोज करो, अब 60,000 चल रही है। अब मान लो चाइनीज इसी आईफोन को बनाने लगे और वो यहां पे 20,000 में बेचना शुरू करते है ना, जो फेयर वैल्यू से काफी कम है। तो जब ऐसा होगा ना तो मतलब दे आर डंपिंग द आईफोन्स हियर है ना। तो एक तरीके से हमेशा आईफोन में इसकी डंपिंग होगी नहीं, डंपिंग होगी स्टील में या इस गुड्स में, बल्क गुड्स में बहुत ज्यादा होती है ना। तो जैसे ये साइनाइड हो गया, सोडियम साइनाइड हो गया, इनमें हो गई, ठीक है। तो अगर फेयर प्राइस से कम प्राइस पे बेचा जा रहा है तो एंटी डंपिंग है। अब दूसरा भी है, दूसरा काउंटरवेलिंग ड्यूटी। अब काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होता है, कई बार क्या होता है कि उनके डोमेस्टिक मार्केट है, फॉर एग्जांपल चाइनीज मार्केट है, अब चाइना में बोल रहे हैं कि सोडियम साइनाइड के लिए वो सपोज कर सब्सिडी देना शुरू कर देते हैं या टैरिफ उसमें रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कुछ भी कर देते हैं। तो इस तरीके से सब्सिडी दे करके मतलब वहाँ पे प्राइस नहीं घटा रहे हैं, वहाँ पे इनडायरेक्टली सब्सिडी दे रहे हैं। अब मान लो सब्सिडी दी जाएगी अगर, तो क्या होगा, अगर सब्सिडी वो देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के प्रोड्यूसर्स को कम खर्चा आएगा क्योंकि उनको सब्सिडी मिल गई। अब सब्सिडी मिल गई तो वो यहाँ पे महंगा बेचे, यहाँ पे सस्ता बेचना शुरू कर देंगे क्योंकि उनको तो सब्सिडी मिल रही है ना। तो जब इस तरीके से प्राइस घटता है कि सब्सिडी टैरिफ के कारण, तो उसको हम बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी, वी कॉल दैट काउंटर वेलिंग ड्यूटी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं आगे अगले एनालिसिस पार्ट की तरफ, कि जो भी इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं फिनेंस कमीशन का, तो आपको पता है ना आर्टिकल जो फिनेंस कमीशन उसका आर्टिकल होता है 280 है ना। और एक क्वेश्चन आपके लिए, हालांकि मैंने कई बार पढ़ा है, अगला सिंपल सवाल है कि इसके मेंबर्स आप मुझे बताएं कितने मेंबर्स होते हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होते हैं, हु कैन बी द चेयरपर्सन, हु कैन बी द मेंबर, है ना। सिंपल से सवाल है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा डेफिनेटली, UPSC की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों ने ये जरूर पढ़ लिया होगा, तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दैट। अब यहाँ पे हम मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अंडरस्टैंडिंग द साइंस बिहाइंड द फंक्शनिंग ऑफ अ मॉस्किटो बैट। अब ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में आया है कि किस तरीके से जो ये साउंड आता है, क्रैकलिंग साउंड आता है मॉस्किटो बैट्स, जो आपने रैकेट यूज किए होंगे, मेरे पास भी रखा होगा यहां कहीं, ऑब्वियस सी बात है गर्मी का मौसम आते ही मॉस्किटोज के नंबर भी बढ़ जाते हैं, है ना। तो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दैट, तो साइंस इसके ये है कि जो ये जो रैकेट्स है ना, ये अपने आप में एक मिनी लाइटनिंग स्ट्राइक्स है। लाइटनिंग यानी कि आप चलता फिरता थंडरस्टॉर्म लेकर के चल रहे हो, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड। दूसरी चीज यहां पे होता क्या कि जो द बैट हैज 3 metal meshes, तो इसमें 3 metal meshes होती हैं, अ सेंट्रल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड 2 outer negative ones, है ना। अब एक सेंट्रल पॉजिटिव हो गया और 2 outer negative हो गया, तो अब मॉस्किटो क्या करता है, मॉस्किटो जब इसमें आता है ना तो ये सर्किट कंप्लीट करता है, एंड वंस द सर्किट इज कंप्लीटेड द करंट फ्लोज एंड दिस इज हाउ इट किल्स द इंसेक्ट। अब ये काफी ज्यादा हाई पावर का वोल्ट का करंट आता है, ऐसा नहीं आता कि कम वोल्टेज का आता है, 1400 volt का लगभग करंट आता है, एंड इट्स अ मिनिएचर लाइटनिंग स्ट्राइक, है ना, एक तरीके से मिनिएचर लाइटनिंग स्ट्राइक है।
अब व्हाट इज द व्हाई द व्हाइट क्रैकल, अब ये आवाज क्यों आती है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन्स, हाई वोल्टेज फोर्सेस इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द एटम्स क्रिएटिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू देयर एटम्स दे एमिट लाइट ड्यू टू एनर्जी लॉस एंड द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड डिटरमाइंस द कलर ऑफ द स्पार्क, जो स्पार्क आता है व्हाइट कलर का आपने देखा होगा आता है, इट्स मोस्टली कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन देयरफॉर प्रोड्यूसेस व्हाइट और नियर व्हाइट स्पार्क्स, इसलिए आपको चूंकि इसका जो एयर है मोस्टली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होता है और उसी लाइट इसी कलर के कारण इसकी वेवलेंथ डिटरमाइन करती कि कौन सा कलर होगा, तो वो नियर वाइट कलर के आसपास रहती है, ठीक है ना। आई होप यू, तो अगले टॉपिक पे आते हैं, अगला टॉपिक आप देख सकते हैं डिफरेंट अप्रोचेस टू एआई रेगुलेशन। इस आर्टिकल में सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक अलग अलग क्या क्या फ्रेमवर्क या क्या क्या रेगुलेशंस आए हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाना चाहता हूँ। इस आर्टिकल को मैंने अलग से लिखा भी था, आप लोग देख सकते हैं एडिटोरियल पार्ट में अलग से आज के एडिटोरियल में। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कितना इवॉल्व होता जा रहा है कि गवर्नमेंट्स जो वर्ल्ड की हैं वो किसी तरीके से अपने रेगुलेशंस को इन पेस रखना चाहती हैं ताकि वो इसको कंट्रोल कर सकें, एटलीस्ट कंट्रोल कर सकें, क्योंकि इसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, डीप फेक्स हो गए, डीप न्यूड्स हो गए, हमने अभी देखा AI के थ्रू बहुत सारी चीज़ें की जा रही, कैंपेनिंग, फेक कैंपेनिंग और साइबर अटैक्स, इन सब में भी इसका यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ग्लोबल रिकॉग्निशन हुआ है AI रिस्क्स का, कैसे हुआ है, तो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो लाया गया था, ठीक है ना। अब यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन लाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, इसने एक मतलब एक तरह से वर्ल्ड के सामने ये रखा कि अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं AI के आने से तो उसके बाद रिस्क्स भी हैं, है ना। अब रिस्क में सबसे पहला इम्पैक्ट होगा जॉब्स के ऊपर, ऑब्वियसली बात है, ये तो पहला हम मोटा मोटा तो समझ लें कि मोटा मोटा ये कि भैया सबसे पहले तो जो जहाँ जहाँ जॉब्स जैसे डेटा क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन, इन सब में आपने जनरेटिव AI ChatGPT का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, तो ये सब आप जानते होंगे, तो जॉब्स के ऊपर एक बहुत बड़ा वो आया है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया डीप फेक्स, डीप न्यूड्स हो गए, या इसके अलावा जो आपके AI के थ्रू जो साइबर अटैक्स हैं, साइबर थ्रेट्स हैं, उनकी पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है क्योंकि ऑटोमेशन हो जाता है, उसका मिसयूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस सबने रेगुलेशंस ले आए हैं, जैसे EU का सबसे पहले AI एक्ट देख लेते हैं, तो EU का जो है वो लैंडमार्क लेजिस्लेशन है जो कि एक रिस्क बेस्ड अप्रोच पे लाया गया, याद रखिएगा EU यानी कि यूरोपियन यूनियन का जो लाया गया है लैंडमार्क लेजिस्लेशन ऑन द AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, वो लाया गया है रिस्क बेस्ड अप्रोच के ऊपर, जिसमें उन्होंने कैटेगराइज किया AI सिस्टम को चार अलग अलग तरीकों से, याद रखिएगा EU जो है वो चार तरीकों से कैटेगराइज करता है AI सिस्टम को, एक है अनएक्सेप्टेबल, दूसरा है हाई, तीसरा है लिमिटेड एंड चौथा है मिनिमल रिस्क, मतलब ये रिस्क के ऊपर, एक तो अनएक्सेप्टेबल हो गया, एक है हाई रिस्क, एक है लिमिटेड रिस्क और एक है मिनिमल रिस्क, ठीक है ना। एंड उसके अकॉर्डिंग उन्होंने गाइडलाइंस प्रोवाइड किए हैं। अब इसमें एक्ट जो है वो बैन करता है सर्टेन एप्लीकेशंस विच आर डीम्ड टू रिस्की, जैसे मैंने आपको बताया कि अनएक्सेप्टेबल जो कैटेगरी में होंगे दे आर टू रिस्की टू बी यूज्ड एंड देयरफॉर दे आर बैन्ड। तो AI जो है वो रिस्क बेस्ड अप्रोच में काम करता है, चार तरीके से कैटेगराइज करता है EU जो है अनएक्सेप्टेबल, हाई, लिमिटेड एंड मिनिमल रिस्क के कैटेगरीज में, ठीक है ना। एंड इट अलाउज एग्जेम्पशन फॉर लॉ एनफोर्समेंट इन स्पेसिफिक सिचुएशंस बट रिक्वायर प्रायर ऑथराइजेशन। EU एक्ट ऑल्सो grapples with the regulating generative AI systems like ChatGPT and the potential compliance burden on businesses. ऑब्वियसली बात है क्योंकि EU का एक्ट ऐसा है कि कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाता है बिजनेसेस के ऊपर, तो उसको बैलेंस करना भी EU के लिए काफ़ी कठिन होता है। अब चाइना की अप्रोच अगर देखें तो चाइना प्रायोरिटाइज करता है सेफ गार्ड अगेंस्ट द पोटेंशियल हार्म फ्रॉम AI टू इट्स नेशनल सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स। चाइना जैसे मैंने ऊपर था उसका भी रिस्क बेस्ड अप्रोच था, इसका है कि रिस्क को मिनिमाइज करना है, पोटेंशियल हार्म्स को मिनिमाइज करना है, ठीक है ना, ये चाइना की अप्रोच है। ये तीन की एरियाज में फोकस करते हैं चाइना वाले अपने AI रेगुलेशन में, और वो तीन की एरियाज कौन कौन से हैं, पहला है कंटेंट मॉडरेशन, मतलब कि भैया AI जनरेटेड कंटेंट को ये एक तो डिटरमाइन कर सकें और देखें क्या कंटेंट निकल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ में गाने गवा रहे हैं, अब उन्होंने गाए नहीं है बट वो भी जनरेटिव AI के थ्रू ही जनरेट किया गया है ना, तो एक तो कंटेंट मॉडरेशन, दूसरा है डेटा प्रोटेक्शन, मतलब कि यूज़र कंसेंट हो डेटा प्रोसेसिंग में और इन सारी चीज़ों में डेटा प्रोटेक्शन, थर्ड है एल्गोरिदम गवर्नेंस, मतलब कि जो एथिकल एस्पेक्ट है AI का वो अलग ना। अब ऑब्वियसली बात है चाइना है तो आप उनकी कोई चीज़ मान नहीं सकते, बट ठीक है दे हैव गिवन दिस दीज नेम्स टू दैट, है ना।
तीसरा है द यूके सॉफ्ट लॉ अप्रोच। अब यूके का जो है वो सॉफ्ट लॉ अप्रोच है, यू का स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क है, यूके जो है थोड़ा प्रिंसिपल्ड एंड कंटेक्स्ट बेस्ड अप्रोच लेकर के चलता है, इसको सॉफ्ट लॉ अप्रोच बोलते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब बाउंड्रीज या बहुत ज़्यादा उसमें रेगुलेशन नहीं किए जाते, गैप्स को फिल करने की कोशिश किया जाता है, जो पोटेंशियल गैप्स हैं उनको फिल करने की किया जाता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेशन ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो है ग्रोथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करके रखना। इंडिया जो है यहाँ पे कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है एंड गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 10,300 करोड़ फॉर द इंडिया AI मिशन टू फॉस्टर द AI इकोसिस्टम थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इंडिया में भी AI इकोसिस्टम को फॉस्टर करने के लिए PPP मॉडल में 10,300 करोड़ अलग कर दिए गए हैं एंड इंडिया AI मिशन है ये, ताकि AI की अपॉर्चुनिटीज़ को भी अपन मिस ना करें, इसका डेवलपमेंट एंड इसको हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन कर सकें, इसके अलावा इनोवेटिव सोल्यूशंस निकाल सकें AI का यूज़ करके। लेकिन ऑब्वियस बात है उसके रिस्क के प्रति हमें भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, दैट इज वॉट हैज बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी हाउ दिस थिंग वर्क्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है आज की जो हम डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन मूव हेड फ्रॉम हेयर। नाउ नेक्स्ट है अ न्यू मेथडोलॉजी विद सम इश्यूज। अब यहाँ पर जो बात चल रही है वो बात चल रही है नई मेथडोलॉजी जो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस ने बनाई है फॉर डिटरमाइनिंग द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। तो याद रखिएगा, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का रिपोर्ट निकाल दिया गया है। कौन निकालता है? तो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस ने इसको रिपोर्ट को निकाला है। फिर से बता दूँ, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे नाम से ही क्लियर है, हाउस होल्ड कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ऑन द कंजम्पशन, है ना, कंज्यूमर के रूप में आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो आपका हो जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। अब ये रिपोर्ट निकाली गई है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा निकाली गई है, ठीक है ना। अब इस बार जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट की गई है वो पहले की मेथडोलॉजी से चेंज्ड मेथडोलॉजी है, ठीक है ना। तो वही चीज़ इस आर्टिकल में बताया गया कि द मेथडोलॉजी हैज़ बीन चेंज्ड, वो मैं आपको एक बार पहले समझाता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा, डिटरमाइन करिएगा कि क्या है और क्या चीज़ में नई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की पॉइंट्स है ना। तो सबसे पहले तो मैंने आपको दो पॉइंट बता दिए कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस निकालता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है ये, एंड ये डेटा प्रोवाइड करता है कि एवरेज हाउस होल्ड स्पेंडिंग कितनी है इंडिया में फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है ना। रूरल और अर्बन एरियाज में एवरेज हाउस होल्ड स्पेंडिंग कितनी है, ठीक है ना। तो UPSC आपको घुमाने के लिए दे देगा, केवल रूरल एरियाज में निकालता है, नहीं, रूरल और अर्बन दोनों में निकालता है और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस निकालता है। इस बार की बात अलग क्यों है? क्योंकि इस बार जो है वो नई मेथडोलॉजी का यूज किया गया है। अब नई मेथडोलॉजी में क्या किया गया है? तो चेंज्ड मेथडोलॉजी है, इसमें तीन चेंजेस मेजरली किए गए हैं। पहला है जो कंजम्पशन ट्रेंड्स हैं उसमें अपडेट किया गया है आइटम कवरेज को, तो आइटम कवरेज हैज बीन अपडेटेड, ठीक है ना। पहली चीज तो ये कि आइटम्स को चेंज किया गया। दूसरा है स्प्लिटिंग द क्वेश्चनायर इनटू थ्री पार्ट्स फॉर बेटर डेटा कलेक्शन। पहले क्या था कि एक ही क्वेश्चनायर आता था, अब उस क्वेश्चनायर को तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक मतलब कैटेगरी बना दी गई कि भैया पहले इसमें आप कंज्यूमर ड्यूरेबल के बारे में बताओगे, इसमें आप इसके बारे में बताओगे, ऐसा है। और तीसरा है थ्री सेपरेट मंथली विजिट्स टू हाउस होल्ड फॉर मोर एक्यूरेट रिपोर्टिंग, ठीक है ना। तो ये कुछ नए चेंजेस किए गए हैं मेथडोलॉजी में। अब ऑब्वियस सी बात है, मेथडोलॉजी चेंज होगी तो चैलेंजेस भी आएंगे। तो एक चैलेंजेस मैं आपको नॉर्मली बता दूं, जो मैं मतलब मैंने देखा कि आ रहा है लोगों को, मतलब लोगों को क्या आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस। तो पहला चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि जैसे देखो, पहले एक क्वेश्चन आयर हुआ करता था, अब उसकी जगह तीन क्वेश्चन आयर कर दिए गए, तो होता क्या है कि फटीग आ जाता है लोगों के अंदर, क्या आ रहा है, फटीग आ जाता है, फटीग यानी थकान आ जाती है। ऑब्वियस बात है, आप कोई क्वेश्चनार भरो और उसमें भी 20-25-30 क्वेश्चन हो तो आप थक जाओगे। अब जब फटीग आएगा तो क्या करोगे आप अनशन आंसर करना शुरू कर दोगे, या तो आप पूरा अंडर रिपोर्टिंग कर जाओगे। तो यहां पे सबसे बड़ा खतरा जो आ रहा है ना, वो ऑथर ने कहा कि अंडर रिपोर्टिंग का हो सकता है या ओवर रिपोर्टिंग, दोनों हो सकती है, ये आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिखना शुरू कर देते। दूसरा देखो, यहां पे लिखा है इट इज नाउ बिकमिंग मोर डिफिकल्ट टू कंपेयर द प्रेजेंट डेटा विद द पास्ट सर्वे। अब प्रेजेंट को आप पास्ट से कैसे कंपेयर करोगे वो नहीं कर सकते, क्योंकि
आपने मेथडोलॉजी चेंज कर दी। तो यहाँ पे सोल्यूशन भी ऑथर ने दिया कि भाई आप क्या करो, रेप्लीकेट करो ओल्ड अप्रोच को ऑन अ सेपरेट सैंपल फॉर कंपैरिजन। तो आप एक काम कर सकते हो कि ओल्ड अप्रोच के साथ कुछ सैंपल सर्वे आप ले सकते हो ताकि आपको कंपैरिजन मिल जाए, ठीक है ना। तीसरा इन्होंने प्रॉब्लम बताया, द न्यू सैंपलिंग मेथड माइट अंडर रिप्रेजेंट, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी अंडर रिपोर्टिंग ओवर रिपोर्टिंग हो सकती है, लेकिन ये अंडर रिप्रेजेंट कर सकता है वेल्दियर हाउस होल्ड्स को कुछ स्टेट्स में, है ना। डेटा पूरा नहीं दिया, तीन अलग अलग क्वेश्चन आया, एक में कुछ लिखा दूसरे में कुछ और लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर ने वही कहा है कि भैया सबसे पहले बात तो आपको ज़्यादा रिलायबल एस्टिमेट्स निकालने चाहिए, एंड सोल्यूशन वही है कि इम्प्रूव्ड डेटा कंपेरेबिलिटी भी आपको होनी चाहिए कि पहले का और अभी का एक्यूरेट पिक्चर निकल के आ सके। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगले आर्टिकल पे आते हैं, अगला आर्टिकल है मार्चिंग अहेड विद टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। अब ये जो आर्टिकल है ये आया है अभी रिसेंटली, जो इंडियन आर्मी ने ऑब्जर्व किया है ईयर 2024 को एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। आप लिख लीजिए इस चीज़ को, 2024 को इंडियन आर्मी ने कहा है कि भैया दिस इज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, और मेजरली जो ये बात कर रहे हैं वो एक तो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में अगर आपसे पूछूं कि भैया बताओ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो डिस्ट्रॉय करे या किसी चीज को डिसरप्ट करे, इसका मतलब ये होता है कि जो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जो पुराने एस्टैब्लिश्ड सिस्टम्स को रिप्लेस कर दे। फॉर एग्जांपल जब कंप्यूटर्स आए तो टाइपराइटर्स थोड़े आउटडेटेड हो गए, है ना, रिडंडेंट हो गए, है ना। फिर आपको कोई टाइपराइटर में टाइप का, आज आपको देखो टाइपराइटर में टाइप करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, है ना, वेरी रेयर पॉपुलेशन इज देयर। तो मैं वही बता रहा हूँ कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी मतलब कि पूरे डिस्ट्रॉय कर रही है। तो पहली चीज तो इसमें फैक्ट ये मिला कि 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन किया है इंडियन आर्मी ने, आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव्स के साथ है। वो कुछ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज को प्रायोरिटाइज करें, जैसे एआई हो गया, ड्रोन्स हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ताकि एक स्ट्रेटेजिक एज मिल सके। ऑब्वियसली बात है हमारे जो नेबर्स हैं वो भी ऐसे नहीं है कि उनके साथ ढंग से रहा जाए, दिस इज द थिंग, है ना। एंड एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम है उनके साथ हम इन टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करें ताकि एब्जॉर्प्शन का एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है भाई, एब्जॉर्प्शन करना है आपको टेक्नोलॉजी, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो नई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको हम अपने लेगेसी सिस्टम्स के साथ वो करें, मर्ज कर सकें। तो यहाँ पे देखो ऑथर ने एक नई चीज़ बताई, इट्स नॉट अबाउट रिप्लेसिंग द प्रूवन टैक्टिक्स एंड प्लेटफॉर्म बट अबाउट फाइंडिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर द न्यू एडवांसमेंट। मतलब कि जो ऑलरेडी सेटअप है ना चीज़ें, मतलब जो ऑलरेडी अपनी वर्थ डिटरमाइन कर चुकी है, मतलब हमने कोई फॉर्मूला बनाया था वो ऑलरेडी अपनी वर्थ को प्रूव कर चुका है, तो ऐसा नहीं कि हम उसको रिप्लेस कर देंगे नई टेक्नोलॉजी के साथ। हम ये देखेंगे कि जो नई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हमारे पास है हम उसको कैसे इसके साथ अलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ऑथर ने कहा कि केवल टेक्नोलॉजी से चीजें नहीं जीती जाती, स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी, इसलिए हमको स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ेगी, है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड ऑथर ने कहा कि ये भी कहा कि हमको इफेक्टिव काउंटर मेजर्स रखने हैं, अदरवाइज जो हमारी रियलाइज्ड लिथैलिटी है, मतलब हमारी जो लीथल अप्रोच है रियलाइज्ड, मतलब फाइनली वो हमारी पोटेंशियल लिथैलिटी से कम हो जाएगी अगर हमने इफेक्टिव काउंटर मेजर्स नहीं लिए। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है उनको क्विकली काउंटर किया जा सकता है, इसलिए हमको अडेप्टेशन, मतलब ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल अडेप्टेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो ऑथर ने यहां पे टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल अडेप्टेशन की भी बात की है, वो भी आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि भैया हमको बियॉन्ड टेक्नोलॉजी भी देखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी वॉर हमारे लिए जीतेगी, इसके लिए हमको मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरिंग की, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, देन हमें सिविल मिलिट्री कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करना है, डेटा सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ाना है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज टेलर्ड फॉर द डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज एंड ऑल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाने के लिए बताया कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कैसा इनोवेशन है विच सिग्निफिकेंटली अल्टर्स द वे द थिंग्स आर हैंडल्ड एज ऑफ नाउ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से जब कंप्यूटर आए तो टाइपराइटर इंडस्ट्री एक तरीके से चली गई, है ना,
ई कॉमर्स आया तो ट्रेडिशनल रिटेल सॉफ्ट शॉप्स भी आपके देखो तो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हुआ। जो शेयरिंग इकॉनमी है, ऊबर हो गया, एयरबीएनबी, आप लोग रहे होंगे कहीं ना कहीं होटल और इन सब के थ्रू जो एयरपोर्ट्स के पास होता, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ डिस्ट्रॉय करती जा रही हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये आपको डिसरप्टिव समझ में आ गया, आपको टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला जो टॉपिक है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट एंड द डायबिटीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक तो लिखा है हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड जो है और लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड जो है, तो एक ग्लाइसीमिक इंडेक्स निकाला गया है जिससे कि अगर आप ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स का खाना लोगे तो आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो उनका जो बॉडी मास इंडेक्स है यानी कि जो बॉडी हाइट का रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो 23, 24, 25 होना चाहिए, कई लोगों का 30, 35, 36 पहुँच जाता है। तो यहाँ पे देखो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड और हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स देख लो, तो यहां फ्रूट्स, ग्रेन्स, लेंटिल्स, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्राउन राइस, ये सब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में शुगर, स्वीटेंड ड्रिंक्स, व्हाइट पॉलिश्ड राइस, पोटैटोज एंड व्हाइट ब्रेड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता क्या है, तो इट रैंक्स द कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड बेस्ड ऑन द ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स। तो ब्लड, ये जरूर टर्म याद रखना कि ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स के टर्म्स में ये डिवाइडेड रहते हैं, एंड दे आर हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड आइटम्स, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, एज ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, द इंटरनेशनल स्टडी इट सजेस्ट कंज्यूमिंग डाइट्स लो इन बोथ ग्लाइसीमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसीमिक लोड मे हेल्प टू प्रिवेंट टाइप 2। मतलब अगर लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स का फूड लोगे तो आपको टाइप 2 डायबिटीज नहीं होगी, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स का लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है ये, ग्लाइसीमिक इंडेक्स रैंक करता है कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स को बेस्ड ऑन देयर इंपैक्ट ऑन ब्लड शुगर आफ्टर अ मील। हायर ग्लाइसीमिक इंडेक्स मीन्स बिगर ब्लड शुगर स्पाइक, आपका ब्लड शुगर अचानक से शूट करेगा। ग्लाइसीमिक लोड क्या होता है, इट कंसीडर्स बोथ द जीआई एंड द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अ सर्विंग, है ना। कि मतलब आप तो एक तो कितना ग्लाइसीमिक इंडेक्स है प्लस कितना कार्बोहाइड्रेट एक सर्विंग में आप ले रहे हो, तो दोनों को जब आप मिला के कंपैरिजन करोगे तो ग्लाइसीमिक लोड निकलता है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये रही बात 9 तारीख की कहानी थी, ठीक है। फिर 8 तारीख की कहानी पे आते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं। सारी चीज़ें एक एक करके आपको बता दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने बोला है कवर करूंगा तो मतलब कवर करूंगा, इसके बाद आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी। प्रेसिडेंट कगामे ऑफ रवांडा कॉल्स ऑन ग्लोबल एपैथी दैट कॉज द 1994 जीनोसाइड। अब आई होप आपने ये चीज़ पढ़ ली हो, नहीं पढ़ी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहली जो न्यूज़ अगर आप देखते तो वो आपको रवांडा के बारे में दिखती, 1994 रवांडन जीनोसाइड एंड इट्स आफ्टरमैथ। तो 1994 में रवांडा में एक जीनोसाइड हुआ, जीनोसाइड मतलब मास मर्डरिंग हुई लोगों की, असैसिनेशन हो गया था उस समय प्रेसिडेंट हाइबरी माना का, एंड हूतू एक्सट्रीमिस्ट जो थे, दो कम्युनिटीज़ के नाम याद रखना, रवांडन कम्युनिटीज़ हैं हूतू और तुत्सी, याद रखेगा हूतू एंड तुत्सी कम्युनिटी जो है ये दे आर फ्रॉम द रवांडा, एंड लगभग 100 दिनों के अंदर 800 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे डेथ हुई थी, एंड हूतूज एंड तुत्सीज के बीच में हुआ था। हूतू एक्सट्रीमिस्ट ब्लेम्ड द तुत्सी माइनॉरिटी, तुत्सी वहाँ माइनॉरिटी थी, ये आपको याद रखना। तो अभी जो कगामे हैं यानी पॉल कगामे, इज अ तुत्सी लेड रेवल मूवमेंट एंडेड दैट जिनोसाइड, एंड रवांडा हैज शोन इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस द जिनोसाइड बट स्कार्स रिमेन। ऑब्वियसली बात है अभी भी इसके स्कार्स हैं। एंड जो कगामे है उनका ये कहना है कि उस समय जो वर्ड था इट वॉज नॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स रवांडा एंड देयर फॉर दिस जिनोसाइड हैपेंड। एक चीज अपन देख लेते हैं, रवांडा टचेज विच कंट्रीज बॉर्डर्स, एक बार हम इसके बॉर्डर्स जरूर देख लें, है ना। तो दैट विल बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू डू। तो आप देख सकते हैं रवांडा इज बॉर्डर्ड बाय 4 कंट्रीज, युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दीज आर द 4 कंट्रीज दैट टच दिस रवांडा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली न्यूज़ पे आते हैं। अगली न्यूज़ मैं आपको पूरा पेपर से ही दिखाऊंगा, ऐसा नहीं बताऊंगा, आपको ये नहीं लगना चाहिए सर नोट्स बना दिया आपने तो यार कोई मतलब नहीं निकला, हमको नहीं पता चल रहा है कि आप हिंदू से पढ़ा रहे हो कि नहीं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यूएस, ब्रिटेन, यूके
सॉरी यूएस ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रेलिया मलिंग एक्सपेंशन ऑफ ऑकस सिक्योरिटी पैक्ट। अब यहाँ पे बात चल रही है ऑकस की, तो ऑकस की अगर हम बात करें तो ऑकस कब बना, पहले तो ये आपको याद रखना है कब बना भैया ऑकस, तो ऑकस बना 2021 में तीन कंट्री के द्वारा, जिसमें नाम ही क्लियर है, एक है यूएसए, एक है यूके और तीसरी ऑस्ट्रेलिया है। एंड नाउ दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड देयर सिक्योरिटी पैक्ट। अब क्यों ये एक्सपैंड करना चाहते हैं सिक्योरिटी पैक्ट को, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। एंड इनका मेन फोकस है ब्रिंगिंग इन जापान टू डिटर द चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में चाइना का इन्फ्लुएंस घटे, इसलिए जापान को भी वो ऑकस के अंदर लाना चाहते, जॉकस बना देंगे, आई डोंट नो व्हाट दे विल फॉर्म। डिस्कशन जो है वो पिलर टू ऑफ ऑकस के ऊपर है। पिलर टू जो है वो है कोलैबोरेशन ऑन द एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज लाइक एआई एंड हाइपरसोनिक्स। तो एआई और हाइपरसोनिक्स जैसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिस्कशन बेसिकली किया जाएगा। मैं टिक जाता हूँ यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात के बज रहे हैं दो बज रहे हैं। अब मैं उस समय बना रहा हूँ, मेरे को थकान भी लग रही है आज, नवदुर्गन भी चालू हो गया ना। तो लेट मी डू दिस थिंग। ओके, तो बात चल रही है पिलर टू ऑफ ऑकस की। तो पिलर टू जो है वो है कोलैबोरेशन ऑन द एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज। अब ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है, जैसे एआई हो गया, हाइपरसोनिक्स हो गया। ऑकस का मैंने ऑलरेडी कब बताया था कि 2021 में बना था, तीन कंट्रीज के थ्रू बनाया गया था। यूएस ईगर है कि भाई जापान को इंक्लूड कर लिया जाए, तो दैट इज वन अगेन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़ा कॉशियस है, यूके कह रहा है कि ठीक है हम तो भाई एक्सपैंड कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे यूएस और जापान जो है आपस में मिलने, ऑब्वियसली बात है लास्ट में वही होगा जो अमेरिका चाहेगा, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ICJ टू हियर केस ऑन जर्मनीज रोल इन इज़राइल्स गाजा वॉर। तो ICJ केस सुनने वाला है। आप देखो यहाँ पे ये केस क्या है, इसके बारे में कोई नहीं पूछने वाला आपसे जर्मनी इसराइल और गाजा के बारे में। गाजा इसराइल मैप पूछ सकता है लेकिन वैसे नहीं पूछेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। किसका प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है आपके यूनाइटेड नेशन का। बनाया गया था इसको 1945 में बाय द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। इसको सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के थ्रू बनाया गया था। इसी ने यूएन को भी बनाया था वैसे, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है। और ICJ जो है वो सक्सेसर है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की। एंड परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बनाई गई थी लीग ऑफ नेशंस के द्वारा 1920 में, ठीक है, ये मोटा मोटा बात हो गया। कंपोजिशन की बात करें तो ICJ में 15 जजेस होते हैं विच आर सेलेक्टेड फॉर अ 9-year टर्म्स। 9 साल के टेन्योर के लिए 15 जज सेलेक्ट किए जाते हैं। एंड नो टू जज कैन बी फ्रॉम द सेम कंट्री, ये भी याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इनको सेलेक्ट करती है। नो टू जज कैन बी फ्रॉम द सेम कंट्री। इलेक्शंस जो होते हैं वो स्टैगर्ड होते हैं। 1/3 ऑफ द जजेस आर इलेक्टेड एवरी 3 years टू इंश्योर द कंटिन्यूटी विद इन द कोर्ट। 1/3 ऑफ द जजेस आर इलेक्टेड एवरी 3 years, ठीक है, इसलिए 9 साल का टेन्योर होता है। 1/3 इन 3 years, तो 1/3, 1/3 और 1/3, तो टेन्योर कितना हो गया, 9 साल का टेन्योर हो गया, ठीक है। जजेस कैन बी री इलेक्टेड फॉर एडिशनल टर्म्स। तो रिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं कि रिलेक्शन नहीं होता, यूपीएससी यहाँ पे फंसा सकता है, ठीक है ना। अब बात चलती है कई बार डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं, वैसे ICJ के डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ICJ के डिसीजन जो है ओन इन्फोर्समेंट पावर नहीं है ICJ के पास, मतलब कि ये खुद इन्फोर्स नहीं कर सकते डिसीजन। बाइंडिंग है डिसीजन बट इन्फोर्स नहीं कर सकते, तो जब तक वहाँ की कोर्ट या वहाँ की गवर्नमेंट उसको इन्फोर्स नहीं करना चाहिए ना, तब तक आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और ये जो है इन्फोर्समेंट जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू भी हो सकता है, जो कि ऑथराइज करता है। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं। 5 परमानेंट मेंबर, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना। अब चाइना के ऊपर जैसे साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट में ICJ ने उनके अगेंस्ट वर्डिक्ट दे दिया, बट जब यूएनएससी में खुद वो बैठा तो वीटो कर देता है बार बार, है ना, वीटो कर देता, तो इन्फोर्स नहीं हो पाता है। डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं लेकिन यूएनएससी के थ्रू। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी, आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गई होगी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो Now you can move ahead with me. यहाँ पे है, what is the technology behind manufacturing a semiconductor chip?
अब यहाँ पे बात चली चुकी, अभी टाटा ग्रुप जो है उसने पार्टनर किया है ताइवान की एक पावर, जो पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन है, पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन है, उसके साथ सेटअप करेगा 300 mm वेफर फैब्रिकेशन प्लांट गुजरात में। याद रखिएगा, टाटा ग्रुप बातचीत कर रहा है ताइवान के पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के साथ, ताकि सेटअप किया जा सके एक 300 mm वेफर फैब्रिकेशन प्लांट गुजरात में, एंड इट विल रोल आउट इट्स फर्स्ट 28 nm चिप इन 2026। ठीक है ना, तो एक तो मोटा मोटा आपको ये फैक्ट समझ में आ गया, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली बात थी। ठीक है ना, अब हम ग्लोबल चिप शॉर्टेजेस की बात करें। रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ग्लोबल चिप शॉर्टेज, ये सेमीकंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिली, इसीलिए प्राइस भी काफ़ी बढ़े, चाइना के ऊपर रेजिलियंस काफ़ी जाता था, तो अब लोगों ने अपनी भैया सेपरेट वो कहना चाहिए मतलब थोड़ा जो सप्लाई चेन इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कंट्रीज़ के, कि भैया अपने आप को रेजिलिएंट बनाना है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम कर देनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो ये वो मटेरियल होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स के बीच में होती है। कंडक्टर्स ये होते हैं जो पूरा कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर्स वो होते हैं जो पूरा रोकते हैं, यहाँ कहीं होते हैं सेमीकंडक्टर्स जो कि बीच में होते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ बीच की होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं किसके माध्यम से, तो डोपिंग के माध्यम से। डोपिंग मतलब कि आप जब इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हो किसी एक प्रॉपर मटेरियल में, तो उसके बाद डोपिंग कहलाती है। डोपिंग और जो मटेरियल आप यूज़ करो उसको डोपेंट बोलते हैं ना, डोपेंट बोलते हैं जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो। तो सेमीकंडक्टर का सबसे बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, सबसे बिल्डिंग ब्लॉक होता है ट्रांजिस्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चिप कोई भी चिप बनेगी उसमें ट्रांजिस्टर्स बने होंगे। अब इससे इंटेल की चिप आ रही है, तो इंटेल की चिप में बोलेंगे भाई इतने बिलियन इतने मिलियन ट्रांजिस्टर्स एक साथ हमने लगा रखे हैं। तो वही देखो लिखा भी है कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर पैक्ड इन वन सिंगल चिप फॉर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। इसीलिए जो इंटेल है ना, ये एक सिंगल चिप में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स बना करके रखते हैं। जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स आपने घुसेड़ दिए उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स वो आपका होने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे फैब्रिकेशन की बात करें, तो फैब्रिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें मिनिएचराइजेशन भी किया जाता है, क्योंकि नैनोमीटर स्केल में आपको निकालना पड़ता है ना। और इसकी जो प्रोसेस है उसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक टर्म है वेफर, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, आर्टिकल से ही दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर चिप, ये तो मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्टीज़ बीच में होती हैं। सब्सटेंस कौन सा ऐड किया जाता है, इसको डोपेंट बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है ना। एंड ठीक है, आप देखो स्टेंसिल्स का भी यूज़ किया जाता है, जिनको मास्क कहा जाता है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में को मास्क कहा जाता है। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, विच इज़ अ बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, एक्सट्रीमली वर्सेटाइल डिवाइस है। इन इट्स मोस्ट पॉपुलर फॉर्म इट कैन फंक्शन एज अ इलेक्ट्रॉनिक स्विच, है ना, तो एक स्विच की तरह काम करता है ट्रांजिस्टर। टिपिकल सेमीकंडक्टर चिप कैन हैव मिलियंस एंड मिलियंस, ये मैंने आपको बता दिया है। ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के रूप में भी फंक्शन कर सकता है, मतलब इट कैन एम्पलीफाई द वीक सिग्नल्स, है ना, तो वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए भी आप ट्रांजिस्टर्स का यूज़ कर सकते हो। इट कैन बी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर, कहना चाहिए कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सर्किट, है ना, तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। रात बता रहा हूँ ना, रात बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं वेफर क्या होता है। तो एक जब सेमीकंडक्टर चिप बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, इट इज़ मच लाइक अ पोस्टेज स्टैम्प, एक पोस्टेज स्टैम्प के रूप में ही होती है सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग। इट्स अ शीट ऑफ स्टैम्प इज प्रिंटेड ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन ईच इंडिविजुअल स्टैम्प इज कट आउट सिमिलरली, एंड एरे टिपिकली 300 ऑफ द चिप्स आर प्रिंट सर्कुलर पीस ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसको हम वेफर बोलते हैं। तो एक पूरा वेफर बनता है, वेफर में खूब सारे चिप्स बने रहते हैं, उनके बाद हम एक एक चिप को अलग करते हैं, डाइस करते हैं, उनको सेपरेट आउट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये वेफर के थ्रू, मतलब एक जैसे एक बड़ा स्टैम्प है उसमें 25 स्टैम्प लगे, आपने 25 स्टैम्प अलग अलग काट लिए, तो उसी तरीके से एक वेफर में मतलब कि बहुत सारे चिप्स का कॉम्बिनेशन है, उसके बाद आपने उसके अलग अलग पीसेस निकाल दिए, तो वो फिर आपका वेफर से आपने अलग अलग कर दिए चिप्स को। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ द वेफर पार्ट वर्क्स। ठीक है ना, तो सेमीकंडक्टर चिप्स आर फैब्रिकेटेड ऑन सर्कुलर वेफर। ये वेफर्स कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। एक चीज़ ये जरूर याद रखना, यूपीएससी यहाँ पे रेक्टेंगुलर वेफर्स बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, बट सर्कुलर वेफर्स होते हैं, देन दे आर डाइस्ड इनटू इंडिविजुअल चिप्स
एंड लार्जर वेफर्स अलाउ फॉर मोर चिप्स पर प्रोडक्शन रन, जिससे कि कॉस्ट कम हो जाते हैं। तो जितने बड़े वेफर्स प्रोड्यूस आप फैब्रिकेट कर पाओगे उतने ज़्यादा आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। डोपेंट मैंने आपको बता दिया कि डोपेंट मतलब वो इम्प्योरिटी है जो कि आप ऐड करते हो। इसमें दो तरीके के डोपेंट हो गए, एक तो पी टाइप डोपेंट हो गया, एक एन टाइप का डोपेंट हो गया, है ना। तो पी टाइप डोपेंट मतलब कि जिनमें एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, ठीक है। एंड टाइम मतलब कि वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है ना। वेफर्स की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी वेफर बता दिया है क्या होता है चिप क्रिएशन के लिए, कैसे होता है। मैंने आपको बताया ये राउंड होते हैं, दे आर मेड फ्रॉम प्योर सिलिकन विच इज़ अ सेमी कंडक्टर मटेरियल। वेफर्स जो होते हैं वो प्योर सिलिकन के बने होते हैं, सेमी कंडक्टर मटेरियल होते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दे आर थिन एंड सर्कुलर स्लाइसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर स्लाइसेस ही होते हैं। तो ये मतलब स्टैंडर्ड इसका शेप जो है वो सर्कुलर होता है, यहीं से फिर चिप आपका फॉर्मेशन होता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये आप ज़रूर जो मैंने चीज़ें बताई आप उनको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ द बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स। अब एक बड़ी न्यूज़ आई थी बीच में, ये भी शायद आपको पता हो, बाल्टीमोर पोर्ट जो है वो क्लोज है एंड इस कारण से जो सप्लाई चेन है वो इम्पैक्ट पड़ती जा रही है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है। इट्स अ ईस्ट कोस्ट पोर्ट, मेजर ईस्ट कोस्ट का पोर्ट है। ईस्ट कोस्ट किसका? अमेरिका का ईस्ट कोस्ट, ठीक है ना। अमेरिका की बात चल रही है, देखो अमेरिका है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी ये है, और ये देखो आपको बाल्टीमोर दिख रहा होगा, दिस इज बाल्टीमोर एंड मैरीलैंड। तो ये आपको मैरीलैंड दिख रहा है, मैरीलैंड में ही बाल्टीमोर नाम की एक जगह है। बाल्टीमोर ब्रिज की हम बात चल रही है ना, यहाँ डेलवेयर है, न्यू जर्सी है, पेंसिल्वेनिया है, तो ये अमेरिका की बात चल रही है। मोटा मोटी ईस्ट कोस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट ये पोर्ट है, फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज विच लोकेटेड इन बाल्टीमोर मैरीलैंड। इसका जो कोलैप्स हुआ इस कारण से काफी जो शिप ट्रैफिक है वो बाल्टीमोर के पोर्ट में फंसा रहा और निकल नहीं पाया। तो ऑब्वियसली बात है इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट काफी ज्यादा है, $9 मिलियन का डेली जो आपका डिसरप्शन हो रहा है जो गुड्स है उनका, एंड ऑब्वियस बात है टैक्स रेवेन्यूज भी काफी इंपैक्ट हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है, माइनर डिसरप्शन होंगे, डिलेज होंगे जो आपके गुड्स चलने हैं। लॉन्ग टर्म इस इंपैक्ट में ये एक्स्ट्रा प्रेशर डालेगा, ऑलरेडी ईस्ट कोस्ट काफी स्ट्रेस्ड है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर भी पड़ेगा ये सप्लाई चेन के ऊपर। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। प्राइवेट हेल्थ केयर नीड्स रिफॉर्म इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ये एडिटोरियल है, हालांकि लास्ट में मैं आपको एडिटोरियल भी बता दूंगा इन दोनों दिनों के। अब हम नेक्स्ट डे पे आते हैं, नेक्स्ट डे है जो आपका वो है, वो दिस इज योर 7th संडे वाला जो दिन था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली न्यूज CAA के ऊपर, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है CAA को, क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि जो CAA के रूल्स नए आए हैं ना वो सिटीजनशिप एक्ट को वायलेट करते हैं। कैसे वायलेट करते हैं? उनका कहना है कि सिटीजनशिप एक्ट कहता है कि पहले आपको रिनंसिएशन करना पड़ेगा दूसरी जो आपकी सिटीजनशिप है, उसके बाद आप सिटीजनशिप ले सकते हो। तो आर्टिकल 9 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो भी ड्यूअल सिटीजनशिप को प्रमोट नहीं करता है, मतलब ऑब्वियसली बात है इंडिया में ऑलरेडी ड्यूअल सिटीजनशिप है ही नहीं, है ना। तो ये आर्टिकल 9 के अंतर्गत भी है और सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 9 भी यही बोलता है, ठीक है। अब देखो बात यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हो रही है, बात उनकी ये उनका ये कहना है जो आर्टिकल लिख रहे हैं, उनका ये कहना है जो केस भी किए हैं पिटिशनर्स के, कि कहीं भी CAA रूल्स में ये नहीं आया कि जो कम्युनिटी के लोग इन कंट्री से आ रहे हैं ये रिनंसिएट करेंगे वहां की, मतलब वो तो दिक्कत क्या कि जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं ये हो सकता है कि ड्यूअल सिटीजनशिप होल्ड करके रख रहे हो, तो कहीं पे ये चेक नहीं है कि क्या ये पाकिस्तान की या बांग्लादेश की या अफगानिस्तान की इन्होंने सिटीजनशिप होल्ड करके तो नहीं रखी है, क्योंकि आप बाकी जो लोग हैं वो तो इलीगल माइग्रेंट है नहीं, उनका तो आप फिर भी चेक कर सकते हो, बट ये तो इलीगल माइग्रेंट है, ये कह देंगे कि भाई हमारे पास है ही नहीं, तो ये वहां की रिनंसिएट नहीं करने जाएंगे या यहां पे ये किस तरीके से सिटीजनशिप आप फिर इनको दोगे। और ये जो है वो आर्टिकल 9 को और शेड्यूल 9 वो जो सेक्शन 9 है सिटीजनशिप एक्ट का दोनों को वायलेट करता है। दिस इज व्हाट हैज बीन अ मेजर थिंग, मेजर क्वेश्चन। तो पिटिशनर्स का जो कहना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो इन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल फ्लॉ है इन द CAA रूल्स, सो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, है ना।
इंडियाज प्रोग्रेस इन टीबी एलिमिनेशन स्टॉल्स डिस्पाइट इंक्रीज्ड टेस्टिंग फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि भैया इंडिया का प्लान रहा है कि इंडिया 2025 तक टीबी को एलिमिनेट कर दे, बट वो प्लान हमारा पूरा होता नहीं दिख रहा। 2023 तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, 2024 शुरू है, दो ही साल बचे हैं, तो 2025 तक हम कैसे कर पाएंगे, तो वी आर बिहाइंड द शेड्यूल। तो यहाँ पे ऑथर ने रीज़न बताया है कि भैया देखो, बात हुई थी जब हमने अपना नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया था ना, NSP नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया था 2017 से लेकर के 2025 तक का, उसमें हमने कहा था कि हम टेस्टिंग में मॉलिक्यूलर टेस्टिंग को बढ़ा देंगे। याद रखिएगा, ये जरूर टर्म याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग को बढ़ाना था और स्पूटम स्मियर माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग को घटाना था, स्पूटम स्मियर माइक्रोस्कोपी। तो एक तो पहली चीज़ आपको याद रखना है कि जो स्पूटम स्मियर माइक्रोस्कोपी है ये ट्यूबरकुलोसिस के टेस्टिंग के लिए है, बट आज भी इंडिया में 79% 2023 में 79% जो केसेस हैं वो स्पूटम स्मियर माइक्रोस्कोपी के थ्रू ही टेस्टिंग किए गए हैं जो सैंपल्स हैं, और केवल 21% में आपने मॉलिक्यूलर टेस्टिंग किया, जिसका नंबर आपको बढ़ाना था, है ना, क्योंकि वो एक्यूरेट भी ज़्यादा होती है और उसके रिजल्ट भी जल्दी आते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने वही कहा कि आज भी हमारा जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है वो पेपर में तो बहुत अच्छा बना है लेकिन अभी भी वो फुलफिल नहीं हो रहा है, स्मियर माइक्रोस्कोपी हम ज़्यादा कर रहे हैं और मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कम कर रहे हैं। दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ऑथर ने वही कहा कि देखो, जब तक आप अर्ली डायग्नोसिस नहीं करोगे, एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं करोगे टीबी का, तब तक आप इलाज लेकर के ठीक नहीं हो सकते। आप किस तरीके से टीबी फ्री होगे जब आप टेस्टिंग ही प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो। दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। संडे के दिन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल था एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप का, जिसमें लेबर मार्केट की कंडीशन बताई गई कि जो वुमेन पार्टिसिपेशन रेट है वो सिग्निफिकेंटली लोअर है एज कंपेयर टू मेन। अगर हम मेन से कंपेयर करें तो बहुत कम है। इसके यहाँ पे रीजंस दिए गए हैं ऑथर के द्वारा। पहला है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं कि भैया मदर्स वुमेन जो होती हैं वो प्राइमरी केयर गिवर होती हैं, काम नहीं करती, लो वेजेस भी हैं, सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं, ये भी एक रीज़न है फीमेल पार्टिसिपेशन कम होने का। लिमिटेड मोबिलिटी, क्योंकि ऑब्वियस बात है सेफ नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा, इसलिए लिमिटेड मोबिलिटी है, ये भी एक रीज़न है। तो ऑब्वियस बात है ये दीज आर द थिंग्स। ऑथर ने कहा कि भाई इंडिया का जॉब ग्रोथ इस तरीके का है कि वो फेवर नहीं करता है फीमेल पार्टिसिपेशन को, सोशल नॉर्म्स आज भी काफ़ी वुमेन को रिस्ट्रिक्ट करके रखे हुए हैं, इनमें चेंजेस की ज़रूरत है, बिहेवियरल चेंजेस की ज़रूरत है। इसके अलावा वुमेन चॉइसेस आर कंस्ट्रेंड बाय फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वुमेन क्या चाहती हैं वो उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के सामने झुक जाती हैं। इसके लिए इकोनॉमिस्ट क्लाउडिया गोल्डिन ने एम्फेसाइज किया है द नीड टू एड्रेस लिमिटेशंस वुमेन फेस इन बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली। यहां पे हमको मदद करनी चाहिए ताकि वो बैलेंस कर सकें। व्हाट नीड्स टू चेंज, तो जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स में हम बेटर वेजेस प्रोवाइड करें वुमेन को, ऑफिस की बातें आएंगे, सेफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड अफोर्डेबल चाइल्ड केयर एल्डर केयर, ये अगर हम प्रोवाइड कर सकें तो ऑब्वियस बात है दैट कैन ऑल्सो इंप्रूव द वुमेन पार्ट। अब संडे के दिन एक और इंपॉर्टेंट चीज आई थी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में। तो ये इट्स अ न्यू इनिशिएटिव बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया इसको, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम बोलते हैं। इट अलाउज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू पार्टिसिपेट इन रिस्टोरिंग द डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड एंड अर्न ग्रीन क्रेडिट्स। तो यहां पे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है, इंडिविजुअल्स हो गए या ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन रीस्टोरिंग द डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड। जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है उनको आप रीस्टोर करने में मदद करो, और अगर आप मदद करते हो तो ग्रीन क्रेडिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अब 10 स्टेट्स हैं जिन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, लगभग 3,853 हेक्टेयर लैंड है डिग्रेडेड, जिसको आइडेंटिफाई किया है एज लैंड विच शुड बी रीस्टोर्ड। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो है दे हैव आइडेंटिफाइड मेजर चंक, है ना। किस तरीके से काम होता है, तो रजिस्टर्ड एंटिटीज, अब चाहे इंडिविजुअल हो या कंपनीज हो, दे कैन पार्टिसिपेट बाय फंडिंग द एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स इन डेजिग्नेटेड एरिया। किसी भी एरिया में आप फंडिंग कर सकते हो, और फंडिंग करोगे तो एफॉरेस्टेशन होगा। एक्चुअल प्लांटिंग विल बी ओवरसीन बाय द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, है ना। अब आपको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा, तो 2 years आफ्टर प्लांटिंग एंड सक्सेसफुल इवेल्यूएशन बाय ICFRE ईच सर्वाइविंग ट्री ट्रांसलेट्स टू 1 ग्रीन क्रेडिट, ठीक है ना। तो जितने ट्री आपके सर्वाइव कर रहे होंगे 2 साल बाद, तो आपको हर उसके एक ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। ग्रीन क्रेडिट अब आप कैसे, कंपनीज दैट हैव लीगली क्लियर्ड फॉरेस्ट लैंड फॉर डेवलपमेंट कैन यूज द ग्रीन क्रेडिट टू ऑफसेट द एनवायरमेंटल इंपैक्ट, अपने एनवायरमेंटल इंपैक्ट को ऑफसेट करने के लिए इन ग्रीन क्रेडिट्स का यूज किया जा सकता है
है ना। और कैंपा यानी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के अंतर्गत भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखा सकते हैं कि भाई हमने इतना ग्रीन क्रेडिट ऑलरेडी अर्न किया हुआ है, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी गुड थिंग, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो ये आप याद रखेगा, दिस इज फ्रॉम द 7th, 8th and 9th ऑफ द एनालिसिस। तीन दिन का तो ये हो गया, ठीक है ना। आगे का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब 4, 5 और 6 में जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आए थे वो भी हम एक बार देख लेते हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एज इट इज़। तो सबसे पहली जो न्यूज़ थी वो थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्लान किया है टू फर्दर एक्सकवेट द पुराना किला साइट विच इज़ नियर द कुंती टेम्पल। दो चीज़ें, पुराना किला एक तो साइट हो गई और कुंती टेम्पल। लोकेशन क्या है, दिल्ली है, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो लिखा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट इन दिल्ली लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। यमुना रिवर पे है, ये दो चीज़ें आपको पता चल गई। इसके अलावा इस फोर्ट को हम पुराना किला, ओल्ड फोर्ट जो बोल रहे हैं, ये पांडवों का किला भी कहलाता है। इसको हम इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता है, इंद्रप्रस्थ एरिया है ना, तो इसको इंद्रप्रस्थ या पुराना किला या पांडवों का किला भी कहा जाता है, ठीक है ना। एंड द फोर्ट वॉज मेंशनड बाय द ग्रीक ट्रेवलर मेगास्थनीस, जो उसने इंडिका विंडिका लिखी थी ना, वो भी उसमें भी मेंशनड है ये, ठीक है। तो एक तो ये भी आपको याद रखना है। इट वॉज बिल्ट बाय, तो अगर इसको तो प्रेजेंट सिटाडेल जो है पुराना किला में, इट इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन बिल्ट बाय द सेकंड मुगल एम्परर हुमायूं एंड वॉज कम्प्लीटेड बाय शेरशाह सूरी। तो याद रखिएगा, स्टार्ट किया था इसको हुमायूं ने और इसका कंप्लीशन कराया था अफगान शेरशाह सूरी ने। एंड दिस फोर्ट वॉज द इनर सिटाडेल ऑफ द सिटी ऑफ दीन पनाह। हुमायूं के रूल में जो फोर्ट था, इट वॉज द इनर सिटाडेल ऑफ द सिटी ऑफ दीन पनाह एंड द किला वॉज इंस्पायर्ड बाय जामा मस्जिद। किला जो है वो जामा मस्जिद से इंस्पायर्ड है, विच वॉज एस्टैब्लिश 15 ईयर्स बिफोर द रिकंस्ट्रक्शन एट दिस किला। आर्किटेक्चर की बात करें तो पुराना किला जो है, इट्स रफली रेक्टेंगुलर इन शेप हैविंग अ सर्किट ऑफ वॉल्स बिल्ट बाय रेड सैंडस्टोन। तो ऑब्वियस बात है, मुगलिया टाइम पे ज़्यादातर चीज़ें तो रेड सैंडस्टोन की ही बनती थी, तो ये भी आपको पता होगा, है ना। अगर आप ताजमहल छोड़ दो बाकी चीज़ें, है ना, इसलिए ताजमहल के ऊपर कई लोग तेजो महल है और ये सारी चीज़ें भी चलती हैं उसमें। अब देखो क्या सच्चाई है, ये सारी चीज़। इट वॉज सराउंडेड बाय वाइट मोट या डीप ट्रेंच जो है, विच इज़ कनेक्टेड टू रिवर यमुना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी ये भी है, आप याद रख सकते हैं। ऑल ऑफ द गेट्स आर डबल स्टोरीड एंड कंप्राइज ऑफ ह्यूज सेमी सर्कुलर बैशंस फ्लैंकिंग आइदर ऑफ द साइड्स एंड द ऑर्नेट डिटेलिंग ऑन द पवेलियंस, यानी जो छतरीज हैं उसमें काफ़ी डिटेलिंग है। बालकनीज है, झरोखास जो हैं, दे आर इन द राजस्थानी स्टाइल, याद रखेगा। तो कहना चाहिए जो किलाए कुन्हा मॉस्क भी इसमें सिचुएटेड है, इट इज़ डिजाइंड इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल एंड इट इज़ डिजाइनेटेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1993 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया। तो ये मोटा मोटी बात किसकी थी, ये ओल्ड किला पुराना किला की थी, जहाँ पे एक्सकेविशंस की बात ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुद जो है वो दो एक्ट्स को मेंटेन करती है, ट्रैंक्विलिटी एक्ट है, क्या बोलते हैं उसको, और एक AMASR एक्ट यानी कि एंशंट आर्कियोलॉजिकल जो मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल एक्ट्स है, 1958 का आई थिंक ये एक्ट है ना, और दूसरा आपका ट्रैंक्विलिटी एक्ट। एक बार देख लेना, मेरे को बताना ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कि कौन सा एक्ट ट्रैंक्विलिटी एक्ट कहलाता है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए। 1861 में इसका फाउंडेशन हुआ था, जब अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखिएगा पहले डायरेक्टर भी थे इसके अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने फॉर्मेशन कराया था, ठीक है। देखो मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बता दूंगा। रिंग ऑफ फायर तो ये आपको समझ में आ गया कि सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं, इट्स अ चेन ऑफ न्यूमरस वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। बट ये है क्यों, है ना, ये है क्यों इस तरीके से, इसमें जो कहानी लिखी उसमें ये आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बाउंड्रीज दो तरीके की होती है, एक होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, एक होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री जैसे CC हो गया, यानी कॉन्टिनेंटल एक दूसरे के पास आ रहे हो, या OC हो गया या CO हो गया, है ना, OC और CO, तो ये कन्वर्जेंट है, मतलब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही हैं। एक है डाइवर्जेंट बाउंड्री, मतलब कि ये दूर जा रही हैं प्लेट्स। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लो कि जो पैसिफिक बना है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनी है, वो बनी है आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री के कारण। कन्वर्जेंट बाउंड्री, उसमें भी कन्वर्जेंट किसका कन्वर्जेंस,
ओ और सी का कन्वर्जन, मेजर मेजरली जो है वो ओशियानिक प्लेट और आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जन हुआ है, ठीक है ना, कन्वर्जेंस हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे देखो क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक फोटोग्राफ दिखाऊँ, तो अगर आप देखें तो दिस इज योर पैसिफिक, जो अगर ओशियन है तो पैसिफिक ओशियन कौन से प्लेट पे होगा, तो ये पैसिफिक प्लेट पे होगा, है ना, पैसिफिक प्लेट पे होगा। फिर इसके इधर साइड आपको अमेरिकन प्लेट भी दिख रही होगी, दिस इज द अमेरिकन प्लेट, है ना। अब पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट अगर आएंगी एक दूसरे के, तो कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, तो हमेशा ओशियनिक जो प्लेट होती है वो नीचे जाती है, तो पैसिफिक प्लेट सबडक्ट कर जाएगी और अमेरिकन प्लेट ऊपर आएगी, तो यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन होंगे और सारी चीजें होंगी। तो इसीलिए यहाँ पे देखो दो चीजें बनेंगी, हमेशा एक माउंटेन रेंजेस बनेंगी और एक ट्रेंच बनेगी, है ना। तो यहाँ देखो अलूशियन ट्रेंच बन गई, इसी तरीके से इधर साइड देखो कुरील ट्रेंच बन गई, जापानीज ट्रेंच बन गई। तो ट्रेंचेस भी बनती हैं और उनके पैरेलल आपको माउंटेन रेंजेस, जैसे ये पूरा आपको एंडीज दिख रहा है, दिस इज द एंडीज, और यहीं पे आपको पेरू चाइल ट्रेंच भी दिखेगी, है ना। सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, रेंजेस हैं, यहीं पे आपको एल्यूशियन ट्रेंच दिखेगी, ठीक है ना। तो ये पूरा है। अच्छा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, अगर आपको पूछे रिंग मतलब सर्कुलर है क्या, नहीं, ये पूरी सर्कुलर नहीं है, आप देख सकते दिस इज नॉट सर्कुलर शेप, ये कहीं से कहीं तक सर्कुलर नहीं है, है ना। इट्स जस्ट नेकलेस शेप, आप बोल सकते हैं नेकलेस टाइप का दिखता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ ये सारी प्लेट्स जरूर याद रखना है आपको, कौन कौन से आइलैंड्स यहाँ पे लाई करते हैं ये जरूर देख लेना, जैसे यहां पे पेरू चैली मैंने आपको बता दिया, कोकोस प्लेट है यहां पे, नाजगा प्लेट है यहां पे, यहीं पे आपका जुआन डी फूका प्लेट है, अलूशियन आइलैंड्स है, जापान ट्रेंच, कुरील ट्रेंच आपकी यहां पर है, ठीक है, मेरापी, माउंट मेरापी और ये सब जो कर्माडैक, ये सब भी आपके अलग अलग एक्टिव वोल्केनोज है, ये पूरा जो रीजन है आपका ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहलाता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब इसके फीचर्स अगर हम बोले तो यहां एक्टिव वोल्केनोज भी है, 450 से ज़्यादा एक्टिव इनएक्टिव वॉल्केनोज हैं, अर्थ के टोटल 75% वॉल्केनोज यहीं होते हैं, अल्टीमेट अमाउंट ऑफ अर्थ को एक यहाँ पे होते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज जो मेजरली हैं वो अभी ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही हैं, अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्रेंचेज होती हैं, मैंने आपको ट्रेंचेज ऑलरेडी दिखा दिया है ना, तो आप याद रखिएगा। अगला टॉपिक है वाइट रैबिट कोलैबोरेशन के बारे में, तो सबसे पहले वाइट रैबिट क्या है फिर उसके बाद कोलैबोरेशन देख लेंगे। तो वाइट रैबिट क्या है, सबसे पहले वाइट रैबिट एक टेक्नोलॉजी जिसको सर्न ने क्रिएट किया है ना, आपके लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यहीं पर है ना, तो सर्न ने जो आपकी यूरोपियन एजेंसी है उसने इसको बनाया है। सर ने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स कंपनीज से इनपुट लिया और एक टेक्नोलॉजी क्रिएट की विच प्रिसाइसली सिंक्रनाइजेज द डिवाइसेज इन एक्सेलरेटर्स टू सब नैनो सेकेंड एक्यूरेसी। तो सब नैनो सेकेंड एक्यूरेसी तक वो जितने भी डिवाइसेज हैं एक्सेलरेटर में लगे हुए उनको सिंक्रनाइज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है जो यूनिफाइड स्टैंडर्ड अक्रॉस बनाना था वो फुलफिल हो रहा है इस वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है ना, याद रखिएगा दिस इज द मेजर थिंग। अब वाइट रैबिट collaboration gets the worldwide community that operates on a membership basis aiming to uphold a high performance open source technology that meets user requirements encourages its adoption by the industry। तो एक white rabbit collaboration जो है CERN के द्वारा ही चलाया गया, ये worldwide community का एक membership तरीके का पैटर्न है जिसके थ्रू जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो आ सके इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है उनके यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना। ये ऑफर करेंगे स्पेशलाइज्ड सपोर्ट, ट्रेनिंग, आरएनडी को प्रमोट करेंगे, सारी चीजें इसमें की जाएंगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एक टॉपिक था ब्लेचली डिक्लेरेशन के बारे में, द ब्लेचली डिक्लेरेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस साल, क्योंकि ब्लेचली डिक्लेरेशन जो है वो रिलेटेड है एआई से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अभी फिर से ब्लेचली डिक्लेरेशन किया गया है टू एड्रेस रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद द फ्रंटियर एआई, ठीक है ना। तो इसे कोलैबोरेटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट निकाला गया है कि एआई के थ्रू आप कैसे इसको कर सकते हो। ब्लेचली डिक्लेरेशन में पार्टिसिपेंट कंट्रीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील, कनाडा, चिली, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इज़राइल, इटली, जापान, केन्या, सऊदी, नीदरलैंड, नाइजीरिया, फिलीपींस, रिपब्लिक कोरिया, रवांडा, सिंगापुर, स्पेन, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूक्रेन, ये सारे हैं, ठीक है ना।
अगला है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ड्राफ्ट किए हैं मॉडल रूल्स फॉर द चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन। तो चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मॉडल रूल्स निकाले गए हैं। अब इसमें उन्होंने कहा है कि भैया दीज रूल्स मस्ट बी अडॉप्टेड एंड नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ना। अब सबसे पहली बात उन्होंने कहा है कि भैया स्पेसिफाई द रिलीजन ऑफ बोथ द पेरेंट्स सेपरेटली। तो अगर आप चाइल्ड बर्थ रजिस्टर कर रहे हो तो पेरेंट्स विल नाउ नीड टू स्पेसिफाई द रिलीजन ऑफ बोथ द फादर एंड मदर सेपरेटली। प्रीवियसली द बर्थ रजिस्टर्स ओनली द फैमिलीज रिलीजन, है ना, फैमिली का रिलीजन नोट किया जाता था, अब फादर मदर दोनों का किया जाएगा। द न्यू फॉर्म नंबर 1 बर्थ रिपोर्ट विल इंक्लूड सेपरेट सेक्शन फॉर द चाइल्ड्स रिलीजन एज वेल एज रिलीजन ऑफ बोथ फादर एंड मदर। द अपडेट ऑल्सो अप्लाइज टू पेरेंट्स ऑफ अडॉप्टेड चिल्ड्रन। तो अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट 2023, इन्फॉर्मेशन ऑन बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन विल बी मेंटेन्ड इन द नेशनल डेटाबेस। तो याद रखेगा जो अभी इस बार ये भी कहा गया कि अडॉप्टेड चिल्ड्रन है उनके केस में भी ये अप्लाई करेंगे नए रूल्स। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट आया था 2023 में, ठीक है ना, उसमें भी काफ़ी चीज़ें की गई थी, वो मैं आप एक बार बता देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 का जो आया था वो उसने अमेंड किया था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 को। उसके पहले जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट था वो 1969 का था, उसको अमेंड किया था 2023 में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट के साथ, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, अ बर्थ और डेथ मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन 21 डेज, ठीक है ना। इफ नॉट रजिस्टर्ड विद इन दिस पीरियड इट कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द RBD एक्ट विद एन ऑर्डर फ्रॉम द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वेरीफाइंग द डिटेल्स ऑफ द इवेंट। तो यही होता है, अभी भी अगर आप देखें तो इस समय भी अगर आप जो बीच में फॉलो हो रहा था वैसे ही कुछ हो रहा था पहले 2023 के बाद से, हालांकि दूसरी प्रक्रिया आ गई थी। तो 2023 में क्या चीज़ें की गई थी वो अपन देख लेते हैं। एक तो नेशनल डेटाबेस बना दिया गया 2023 एक्ट के बाद, एक बर्थ एंड डेथ डेटाबेस मेंटेन किया जाता है नेशनल लेवल पे। देन ये जो आपका है डेटाबेस, इसको कनेक्ट किया जा सकता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर या फिर इलेक्टोरल रोल आधार नंबर राशन कार्ड इन सब के साथ, ठीक है ना। देन डिजिटल रिकॉर्ड्स, ऑल द बर्थ एंड डेथ्स इन द कंट्री मस्ट बी डिजिटली रजिस्टर्ड थ्रू द सेंट्रल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो crsorgi.gov.in है। तो सारे बर्थ एंड डेथ उसमें डिजिटली रजिस्टर्ड होंगे, आप जब बर्थ डेथ सर्टिफिकेट बनवाने गए होंगे ना तो वो सब ऑलरेडी हो गया होगा। द डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट शूट थ्रू this system will serve as a single document to verify the date of birth for various services. आजकल जो मिलता है वो ऑलरेडी आपने देखा होगा कि वो सिंगल डॉक्यूमेंट ही मिलता है ना, एक पेपर में निकलता है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगले टॉपिक पे आते हैं, एलोकेशन ऑफ सिंबल्स टू द पोलिटिकल पार्टीज। ये काम किसका है? ऑब्वियसली बात है, ये काम है इलेक्शन कमीशन का, ठीक है ना। तो रूल्स क्या बोलते हैं? तो एलोकेशन की जो अथॉरिटी है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज गवर्न्ड बाय द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1968। ये याद रखेगा कि ये जो अलॉटमेंट किया जाता है वो इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के थ्रू किया जाता है। इसका एम क्या है? टू डिफाइन रिजर्व असाइन सिंबल्स टू द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। सिंबल्स जो है वो क्लासिफाई किए जाते हैं रिजर्व्ड एंड फ्री के नाम पे। रिजर्व्ड आर सोली फॉर द रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, जो रिजर्व्ड सिंबल्स हैं वो सोली फॉर द रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। फ्री सिंबल्स जो हैं वो अनएक्नॉलेज्ड रजिस्टर, मतलब अभी अनएक्नॉलेज्ड है लेकिन रजिस्टर तो ऑब्वियस बात होना चाहिए, अनएक्नॉलेज्ड भी है तो चल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा गैजेट नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन पब्लिश करता है लिस्ट ऑफ द पार्टीज अलॉन्ग विद देयर सिंबल्स इन द गैजेट ऑफ इंडिया। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक्सक्लूसिव सिंबल्स होते हैं, उनके थ्रू एलोकेट किया जाता है। अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टीज को सिंबल अलॉटमेंट होता है वो फ्री सिंबल्स के थ्रू या नॉन एक्सक्लूसिव सिंबल्स के थ्रू किया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा रूल 10B ऑफ द सिंबल्स ऑर्डर कहता है कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज जो हैं दे कैन यूज अ कॉमन फ्री सिंबल फॉर 2 जनरल इलेक्शंस, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे कि क्या उनकी प्रेफरेंसेस ली जाती है। तो 1968 का जो ऑर्डर है वो कहता है इलेक्शन कमिश्नर के पास पावर है टू हैंडल सिंबल सिलेक्शन एंड एलोकेशन फॉर पार्लियामेंट्री एंड असेंबली इलेक्शंस एमिंग टू रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज। जो अनरजिस्टर्ड पार्टीज हैं दे नीड टू प्रोवाइड 10 प्रिफर्ड सिंबल्स फ्रॉम द कमीशन्स लिस्ट। अनरजिस्टर्ड पार्टीज जो हैं वो 10 सिंबल्स पहले चूज करेंगी एंड दे कैन ऑल्सो प्रपोज 3 न्यू सिंबल्स विद डिजाइंस एंड नेम्स फॉर द कंसिडरेशन बाय द कमीशन।
दीज न्यू सिंबल्स मस्ट मीट द सर्टन क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया ऑब्वियस बात है, इफ अ रिकॉग्नाइज पार्टी स्प्लिट्स, अगर कोई रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट कर जाती है तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि सिंबल किसको मिलेगा। वही चीज हुई थी जो शिंदे गवर्नमेंट में हुई। नेक्स्ट कार 19, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस कार टी सेल थेरेपी, ठीक है ना। तो अब ये नेक्स्ट कार 19 याद रखेगा, इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस कार टी सेल थेरेपी है ये, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर, कैंसर के लिए होम ग्रोन जीन थेरेपी है नेक्स्ट कार, ठीक है ना। सो इट इज अ ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक बी सेल कैंसर्स, जो नेक्स्ट कार 19 है। इट्स अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग फॉर बी सेल लिम्फोमास, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमियाज, ये कैंसर के ही टाइप होते हैं। देन इसमें प्रोसेस क्या है कि जो पेशेंट की वाइट ब्लड सेल्स हैं, दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय मशीन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ल्यूकाफेरेसिस एंड देन जेनेटिकली मॉडिफाइड, इक्विपिंग देम विद द टूल्स टू आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स। तो पेशेंट की वाइट सेल्स ली जाती हैं, उनको मशीन के थ्रू निकाली जाती हैं और उसको ल्यूकाफेरेसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को, फिर उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है और इनको इक्विप किया जाता है कि ये डिस्ट्रॉय कर सकें कैंसर सेल्स को, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टी सेल्स आर नेचुरली मेड बाय द बॉडी एज एन एडवांस डिफेंस अगेंस्ट द वायरसेस एंड कैंसर सेल्स, एज द टी सेल्स मैच्योर द डेवलप स्पेसिफिक कनेक्टर्स या रिसेप्टर्स टू टारगेट द की सिग्नल्स ऑन द कैंसर सेल्स। However, cancers can limit the inbuilt extent and efficiency width of T cells. तो T cell देखो अपने आप भी develop करते हैं, अपने आप भी modify होते हैं, लेकिन cancer cells जो होते हैं वो इनको थोड़ा रोक देते हैं। तो साइंटिस्टों ने कहा कि भाई क्या क्यों ना हम इनको अलग से modify कर दें और इनको अलग से genetically improve करके दे दें, है ना। तो that is the thing, याद रखिएगा CAR T cell therapy है IIT Bombay, Tata Memorial Center and Immuno Act ने इसको develop किया है। Purpose है जो जो cancer के पेशेंट्स हैं उनके बी सेल लिम्फोमास या बी सेल जो कैंसर है उनके लिए रिकमेंड किया जाएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, समझ में आ गया होगा आपको। तो 4, 5, 6 का भी हो गया, अब बस 2 और देखते हैं, 2 और 3 तारीख का। 2 ओजोन मिली है जुपिटर के मून में, और जुपिटर के कौन से मून की बात चल रही है, तो जुपिटर का मून है कैलिस्टो, इट इज जुपिटर्स मून और कैलिस्टो में ओजोन की परत मिली है। कैलिस्टो इज जुपिटर्स सेकेंड लार्जेस्ट मून आफ्टर गनीमेड एंड थर्ड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम आफ्टर गनीमेड एंड टाइटन। तो टाइटन तो सैटर्न का हो गया, गनीमेड आपका गनीमेड जो भी आपको बोलना है ये आपका जुपिटर का हो गया, और उसके बाद कैलिस्टो सबसे बड़ा है सोलर सिस्टम का और जुपिटर का दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। इट्स साइज इज नियरली इक्वल्स टू मर्क्यूरी, एंड कैलिस्टो जो है वो गैलीलियो गैलीलाई ने डिस्कवर किया था, याद रखिएगा। एंड कैलिस्टो इज नेम्ड फॉर अ वुमन टर्न्ड इनटू अ बेयर बाय ज्यूस इन ग्रीक माइथोलॉजी, ज्यूस इज आइडेंटिकल टू द रोमन गॉड जुपिटर। कैलिस्टो का जो सरफेस है रॉकी है, आइसी सरफेस है, एंड इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट हैवीली क्रेटर्ड इन आर ओर सोलर सिस्टम। कैलिस्टो इज ऑन द लिस्ट ऑफ पॉसिबल प्लेसेस वेयर लाइफ कुड एग्जिस्ट, और उसमें ये ओजोन का मिलना अपने आप में बहुत बड़ा एक वो है ना। अगले टॉपिक पे आते हैं, कोडाई कनाल सोलार ऑब्जर्वेटरी कोसो के बारे में। तो 125 ईयर्स हो चुके हैं कोडाई कनाल सोलार ऑब्जर्वेटरी को, जिसको कोसो बोलते हैं। इट इज सिचुएटेड इन द पलानी हिल्स वेस्टर्न घाट्स, कहाँ पे लोकेटेड है, पलानी हिल्स वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। क्रिएटेड इन 1845 बाई US मिशनरीज एंड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स एज अ हिल स्टेशन, इसको क्रिएट किया गया था एक हिल स्टेशन के रूप में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स और उनके द्वारा 1845 में। कोडाईकनाल कंटेन्स मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी दैट इंगेजेस एस्ट्रोफिजिकल रिसर्च, तो यहाँ पे मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है, एस्ट्रोफिजिकल रिसर्च होती है, याद रखिएगा, ठीक है। एक मद्रास ऑब्जर्वेटरी भी थी जो कि 1792 में स्टार्ट की गई थी, इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। फिर उसके बाद ग्रेट ड्रॉट आता है 1875 में, है ना, जिसमें आपको ये नागपुर और ये डेक्कन रायट्स भी होते हैं, 1875 में डेक्कन रायट्स भी हुए थे। इसके बाद एक फेमाइन कमीशन बनी थी, स्मिथ कमीशन, जिसको मिची स्मिथ ने, चार्ल्स मिची स्मिथ ने हेड की थी, उसने रिकमेंडेशन दिया था कि कॉन्स्टेंट सोलार आपको ऑब्जर्वेशंस लेने हैं, और कॉन्स्टेंट सोलार ऑब्जर्वेशंस लेने इस कारण से 1893 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया था सोलार फिजिक्स ऑब्जर्वेटरी
प्रोजेक्ट, और इसके अंतर्गत फिर 1895 में लॉर्ड वेलनॉक, उस समय मद्रास गवर्नर, उसने फाउंडेशन स्टोन रखा था, और 1899 से जो था इसको मर्ज करके फिर ये कोडाई कनाल की आपकी चलने शुरू हुई थी। तो कुल मिलाकर के मद्रास ऑब्जर्वेटरी थी 1792 में, फेमाइन हुआ, फेमाइन का स्मिथ कमीशन आई, स्मिथ कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया उसके बाद सोलार ऑब्जर्वेशन का, और लॉर्ड वेलनॉक जो था गवर्नर मद्रास उसने फाउंडेशन स्टोन रखा था 1895 में, और 1899 में जाकर के ये कंप्लीट हो गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा कोसो यानी कोडाईकनाल ऑब्जर्वेटरी में भावनगर टेलीस्कोप, याद रखिए वेरी फेमस टेलीस्कोप भावनगर टेलीस्कोप आफ्टर महाराजा ऑफ भावनगर, वो यहाँ पे ऑपरेट होता था। ठीक है ना, और यहाँ पे रेडियल मोशन ऑफ द सन स्पॉट जिसको एवरशेड इफेक्ट भी कहा जाता है वो यहीं पे डिस्कवर किया गया था जॉन एवरशेड के द्वारा। याद रखिएगा जो सन स्पॉट्स होते हैं उनका रेडियल मोशन होता है जिसको हम एवरशेड इफेक्ट बोलते हैं, ये लिख लेना आपने नोट्स में एवरशेड इफेक्ट क्या होता है। तो रेडियल मोशन ऑफ द सन स्पॉट इज नोन एज द एवरशेड इफेक्ट, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अगला टॉपिक है हवाना सिंड्रोम। तो जॉइंट मीडिया इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग एक मेंबर ऑफ रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट जो था इसने कुड हैव टारगेटेड द ब्रेन ऑफ द यूएस ऑफिशियल्स बाय यूजिंग डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। तो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के यूज़ करके यूएस के ऑफिशियल्स के ऊपर हवाना सिंड्रोम का इस्तेमाल किया गया है। हवाना सिंड्रोम एक्चुअली एक मेंटल हेल्थ सिम्टम्स है जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स के इंटेलिजेंस एंड एम्बेसी ऑफिशियल्स जो होते हैं उनका सर भारी होने लगता है, सर घूमने लगता है, झूमने लगते हैं, वो इसको वो हवाना सिंड्रोम बोलते हैं। एक्चुअली ये क्यूबन मिलिट्री क्राइसिस के टाइम में हवाना में बहुत सारे वो गए थे, वहाँ से ये शुरुआत हुई है। इट्स अ सिंड्रोम विच मीन्स अ सेट ऑफ सिम्टम्स, और ये सेट ऑफ सिम्टम्स वही है। ये 2016 में भी रिपोर्ट किया गया था यूएस एम्बेसी के द्वारा क्यूबन कैपिटल ऑफ हवाना में। 2016 में जब वो गए तो उनके भैया सबके सर भारी होने लगे, इसका एग्जैक्ट रीज़न अभी तक नहीं पता, लेकिन दिस इज अ थिंग। एक्सरसाइज आयुथया, आयुथया क्या है ये? तो एक्सरसाइज आयुथया इज अ पायलट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी। तो रॉयल थाई नेवी और इंडियन नेवी के बीच में आयुथया हो रहा है, ठीक है ना, याद रखना है इसको। नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज प्रोग्राम, तो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है नेशनल इंफॉर्मेशन, मतलब ऑब्वियसली स्टार्टेड है लेकिन इसके बारे में बताया जा रहा है, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज NICES, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट। ये जो प्रोग्राम है इट इन्वेसाइजेज रियलाइजेशन ऑफ नेशनल लेवल क्लाइमेट डेटाबेस जनरेशन। तो नेशनल लेवल का क्लाइमेट डेटाबेस जनरेशन किया जाएगा, इसके अंतर्गत डेटा जो है वो इंडिया एंड अदर जो पार्ट्स हैं वहाँ से डिराइव किया जाएगा, ऑब्वियसली बात है इंडिया एंड अदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट जो हैं पोलर और जियो स्टेशनरी मिशन की, उनके थ्रू डेटा लिया जाएगा। 2012 में इसका इंसेप्शन हुआ था, डेवलप्ड एंड मेड एक्सेसिबल ओवर 70 जियो फिजिकल वेरिएबल्स रिगार्डिंग टू टेरेस्ट्रियल ओशियन एटमोस्फेरिक कंडीशन एंड ऑल, ठीक है ना, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में है, कौन कौन सी रिवर्स है, तो पेरिनियल रिवर्स में ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग देखा, तो वेस्ट फ्लोइंग घग्गर हाकरा लूनी साबरमती माही नर्मदा ताप्ती मांडोवी काली शरावती पेरियार पंपा, ये वेस्ट फ्लोइंग है। ईस्ट फ्लोइंग में सुवर्णरेखा दामोदर ब्राह्मणी महानदी गोदावरी कृष्णा पेन्नार पलार पुनैयार कावेरी वैगई एंड तमिरा बरानी, तो ये सारी जो हैं ये आपकी दीज आर ऑल द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, एक बार पढ़ लेना। इंडिया ने रिजेक्ट किया था चाइनाज रीनेमिंग ऑफ द प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश, ऑब्वियसली बात है चाइना बहुत बीच में नाटक कर रहा था, हमने उसको सेंसलेस कहा था, और इसका तो खैर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, चाइना रिफर्स टू अरुणाचल प्रदेश एज जंगनम जंगनन, याद रखिएगा, एंड क्लेम्स इट एज अ पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत, तो साउथ तिब्बत का पार्ट मानता है वो अरुणाचल प्रदेश को, जंगनन जंगनन टर्म यूज़ करता है, ठीक है ना, तो ये हमने ऑलरेडी रिजेक्ट किया हुआ है तो आप याद रख सकते हैं। ओके, पीएमएलए एक्ट की बात करते हैं, फ्रॉम फाइटिंग ड्रग मनी टू कंट्रोवर्शियल टूल, तो अब अभी रिसेंटली बहुत सारा ईडी के छापे ये सारी चीजें आपने देखी होगी। इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये एडिटोरियल था एक्चुअली में, इसमें किस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ था 2002 में वो देख लेते हैं। इसको लाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग स्पेसिफिकली जो ड्रग ट्रैफिकिंग और इन सब के लिए यूज हो रहा था, उन सब के थ्रू हो रहा था, उसको रोकने के लिए लाया गया था, ठीक है ना।
यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जैसे FATF हैं, उन्होंने कहा था मेंबर कंट्रीज़ को कि आप ऐसा एक्ट ले आओ अपने कंट्री में, तो इसके चलते हमने PMLA लेकर के आए, ठीक है ना। पहले इनिशियली इसका फोकस था, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रग ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था, तो नारकोटिक ड्रग NDPS और इन सब एक्ट्स को ज़्यादा ध्यान से PMLA देखता था। धीरे धीरे PMLA में अमेंडमेंट्स होते गए, उसको एक्सपैंड करना शुरू कर दिया गया, ठीक है ना। ओवर टाइम शेड्यूल ऑफ ऑफेंसेस अंडर PMLA उनको एक्सपैंड किया गया है, जैसे कि 2009 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऐड कर दिया गया था इसके अंतर्गत। रीसेंट अमेंडमेंट्स 2023 में लाए गए जिसमें अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को भी PMLA के एम्बिट में ला दिया गया है, ठीक है ना, जो CA होते हैं अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, इट इज़ देयर। अब PMLA का क्रिटिसिज्म क्या ऑथर ने किया था कि भैया ये जो एक्ट है ये धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है, इसका जो फोकस था मनी लॉन्ड्रिंग से हट गया है, लार्ज स्केल मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना था लेकिन वो अब नहीं रह चुका है, ठीक है ना। एक्ट्स अप्रोच इज क्रिटिसाइज एज वॉयलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इट इज द जो जो इसमें अक्यूज होता है वो अज्यूम्ड गिल्टी होता है अंटिल प्रूवन इनोसेंट, एंड जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो भी उसी व्यक्ति के ऊपर रहता है, तो ये प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट वाले कंसेप्ट पे काम करता है, इसका भी काफी क्रिटिसिज्म किया जाता है। बेल नॉर्म्स काफी स्ट्रिंजेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि जो UAPE होता है उसमें बेल मिलना काफी कठिन होता है, इसमें भी काफी मतलब वैसी प्रोसेस होती है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। PMLA डील्स विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड नॉट द क्राइम इटसेल्फ, सो समवन कैन बी कन्विक्टेड अंडर PMLA फॉर लॉन्ड्रिंग मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ क्राइम कमिटेड बाय समवन एल्स, ठीक है ना। अगर आपके पास पैसा मिल गया तो आपको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, हो सकता है केस किसी और ने किया, क्योंकि इसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम देखे जाते हैं, ठीक है ना, तो आपने क्राइम किया नहीं होगा लेकिन आप फंसोगे, ठीक है। इसके अलावा बेल काफ़ी ज़्यादा इसमें टफ होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, देर इज़ अ बेल कॉन्ट्रोवर्सी अंडर दिस, काफ़ी टफ प्रोसेस है इसमें प्रूफ करना कि आप नहीं हैं गुनहगार, ये प्रूफ करना ही काफ़ी टफ होता है, ठीक है ना। तो लास्ट एडिटोरियल जो था वो AI का यूज़ कैसे इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए किया जा रहा है, वो आपके लिए खास नहीं है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो एज वेल, पूरा का पूरा एनालिसिस आपका हो चुका है 2 तारीख से 9 तारीख, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया, कुछ भूल चूक लगी हो तो माफ़ कर देना, कुछ आपको लगता हो तो बता देना। दैट इज़ इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।